हेलो, मैं चीफ मिनिस्टर विनायक बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर को फोन दो। हाँ हेलो देशपांडे, पार्ला लॉकअप में हैरी नाम का एक स्टूडेंट बंद है। मामूली मारपीट का इल्जाम है उस पर, उसे छुड़ा दो। हाँ ओके थैंक यू। विनायक बुलाया मुझे, खैरियत तो है ना? मैंने कहा तुम जानती हो कॉलेज की बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। हाँ। भरत कॉलेज से हरीश, हैरी नाम का लड़का उसमें भाग लेने वाला है, जानती हो तुम? हाँ, क्यों? मैं चाहता हूँ कि ये चैंपियनशिप हरीश ही जीते, उसके खिलाफ जो भी लड़का हो उसे खरीद लिया जाए। सेंट्रल कॉलेज का लड़का है, हसन अली की वजह से कैरेक्टर का बहुत स्ट्रांग होगा, खरीदना नामुमकिन है। तो कुछ भी करो, कुछ भी, बट सी टू इट दैट हैरी विंस दिस चैंपियनशिप बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, लेकिन विनायक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों? नफा का सौदा है क्या? नहीं, मैंने कहा ये सौदा नफा नुकसान के लिए नहीं किया जा रहा। तुम ऐसे सौदे भी करते हो? मुझे नहीं बताओगे? नहीं, और दोबारा पूछना भी मत। जस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू टू डू। ओके ओके बॉस। मजाक करें, गुड बाय। हवलदार, ले आओ उस छोरे को। जाओ, तुमको छोड़ दिया। हाँ साइंगर। जमानत हो गई मेरी? किसने दी? यू कैन गो। अजीब बात है जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। जनाब मेरी जमानत दी किसने? तुझे क्या लेना देना, साइन कर और जा अपने घर। कभी पकड़ते हैं कभी छोड़ दे हैं। खैर चल बेटे यारी। हाँ हरी, कैसा है तू? अरे मेरी जमानत तुम लोगों ने कराई क्या? नहीं तो फिर किसने की मेरी जमानत? मालूम नहीं। ठीक है चलो। हैरी। यस कम इन। एक्सक्यूज मी बट आई डोंट थिंक आई नो यू। मैं तुम्हें जानती हूँ, इतना काफी नहीं? नहीं, बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें। बैठ। ये साला हैरी भी दबगू है। जवान खूबसूरत लड़की बोलती है आओ, और ये उससे क्या और क्यों पूछता है, इडियट। तुम ये चैंपियनशिप जीतना चाहते हो ना? यस, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मैं संभाल लूंगी। तुम अपना सारा ध्यान तैयारी में लगाओ और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। लेकिन अब है कौन इस मैच में? काफी हैवी बेटिंग हो रही है, मैं तुम्हें बैक कर रही हूँ। ये लो ट्रेनिंग एक्सपेंस के लिए, और आगे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करना। ये लो मेरा कार्ड। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। कौन थी वो? सो मच मनी। हाँ यार, अबे तू सोच क्या रहा है, खुश होने के बजाय सीरियस क्यों हो गया? यार सीरियस वीरियस कुछ नहीं हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने रुपयों का मैं करूँगा क्या। हद हो गई, रुपया या तो तिजोरी में बंद होता या उड़ता है, और हमारे पास तो तिजोरी है नहीं, तो फिर उड़ाते हैं इसे। राइट, पहले बियर फिर किसी चक्काश होटल में लंच। यस, और रात को किसी अच्छे से होटल में डिनर करेंगे। ओके सोचना क्या है, चलो चले।